हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के पहले दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स, हमने आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जब हमने आपको केमिकल चेंजेस के बारे में समझाया था स्टूडेंट्स, तो हमने उसमें आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज होता है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स, उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है। इस लेयर को हम रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यानी कि आयरन के ऊपर ब्राउनिश लेयर का जमा हो जाना रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन को हम केमिकल चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक न्यू सब्सटेंस बनता है और रस्टेड आयरन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उस आयरन से जो रस्ट होने से पहले था। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब हम रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये एक ऐसा चेंज होता है स्टूडेंट्स जो आयरन आर्टिकल्स यानी लोहे की बनी चीजों पर बुरा प्रभाव डालता है और उन्हें धीरे धीरे खराब कर देता है। इसके बाद हमें कहा गया है, सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। यानी कि जो आयरन होता है वो पुल बनाने में भी इस्तेमाल होता है, शिप्स यानी कि पानी के जहाज बनाने में इस्तेमाल होता है, कार्स को बनाने में इस्तेमाल होता है, ट्रक बनाने में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सी चीजें बनाने में आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इन सब चीजों पर अगर रस्टिंग होती है, आयरन खराब होता है, तो इससे जो मॉनिटरी लॉस होगा, जो पैसे का लॉस होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। यानी कि रस्टिंग की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। इसके बाद यहां लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले लिखा गया है आयरन। आयरन का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला होता है O2। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है आयरन को? हवा से। और उसके अलावा यही आयरन वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, वाटर यानी के H2O। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए क्या बना, रस्ट बना। और जब कोई आयरन रस्टेड हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आयरन ऑक्साइड और कुछ नहीं है बल्कि रस्टेड आयरन है, यानी ऐसा आयरन जिस पर जंग लग चुका है, जिस पर रस्ट लग चुका है। और इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। तो यहां पर हमने देखा स्टूडेंट्स कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्टेड आयरन हो जाता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसके बाद यह दिया गया है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, जिसे वाटर वेपर भी कहा गया है, इज एसेंशियल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आयरन की रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना जरूरी है। ये वाटर वाटर वेपर के रूप में भी हो सकता है। वाटर वेपर क्या होते हैं? हवा में जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं गैसियस फॉर्म में, उनको हम वाटर वेपर कहते हैं। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तभी उसमें रस्टिंग होती है। इसके बाद हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अब यहां पर हम आपको दो वर्ड्स यहां पर समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों को ध्यान से समझिएगा। एक है मॉइस्चर और एक है ह्यूमिड। मॉइस्चर क्या होता है? हवा में पानी के पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होती है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। तो जब हवा में पानी के पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि हवा में मॉइस्चर ज्यादा है। और जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा ह्यूमिड है। तो अब यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि अगर हवा में मॉइस्चर ज्यादा है यानी कि पानी के पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा है,
जिसे दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रस्टिंग भी उस केस में फास्ट हो जाती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हवा में पानी के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाती है, जैसे कि कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ जो कि समुंदर के आसपास के इलाके होते हैं स्टूडेंट्स, समुंदर के आसपास की जो जगह होती हैं वहाँ पर क्योंकि हवा के अंदर पानी के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो आयरन की रस्टिंग है वो भी ज़्यादा स्पीड से होती है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, यानी कि आयरन को खराब होने से कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, यानी कि अगर हमें आयरन को रस्ट होने से बचाना है, आयरन को खराब होने से बचाना है, तो हमें आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करने से बचाना होगा, क्योंकि अगर आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो उसमें रस्टिंग भी नहीं होगी। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, और इसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि जो आयरन के आर्टिकल है, आयरन यानी लोहे की बनी हुई जो चीजें हैं उनके ऊपर अगर हम पेंट और ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं, यानी पेंट और ग्रीस की एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो ये जो लेयर होती है स्टूडेंट्स ये एक दीवार का काम करती है और आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलने नहीं देती, कांटेक्ट नहीं करने देती। और जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता या उनके साथ रिएक्ट नहीं करता तो उसमें रस्टिंग भी नहीं होती और वो खराब भी नहीं होता। इसके बाद हमसे कहा गया है, इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो ये जो कोटिंग होती है स्टूडेंट्स पेंट या ग्रीस की, ये हमें आयरन आर्टिकल्स पे रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए जिससे कि रस्टिंग ना हो। अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए अगर हम आयरन के ऊपर मेटल की परत चढ़ा दें, जैसे कि क्रोमियम मेटल या फिर जिंक मेटल की परत चढ़ा दें, तो इससे भी आयरन की रस्टिंग रुक जाती है। इसके बाद हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है, द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए जो लोहे के बने हुए पाइप्स यूज होते हैं उनको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो रस्टिंग से बचे रहें। इसके बाद हमें कहा गया स्टूडेंट्स, यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो शिप्स होते हैं ये आयरन यानी लोहे के बने होते हैं और शिप्स का एक बड़ा हिस्सा हमेशा पानी के अंदर रहता है। उसके बाद हमसे कहा गया है, ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, यानी कि जो पार्ट पानी के ऊपर होता है शिप का उस पार्ट से भी पानी लगातार टच करता रहता है, टकराता रहता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, मोर ओवर द वॉटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सोल्ट्स, जो समुन्दर का पानी होता है स्टूडेंट्स उसमें बहुत तरह के सोल्ट होते हैं, द सोल्ट वॉटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, यानी कि ये जो सोल्ट वॉटर होता है स्टूडेंट्स यानी कि नमकीन पानी, इसमें रस्टिंग की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। देयर फोर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बींग पेंटेड, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स के पेंट करने के बावजूद जो शिप्स होते हैं उनमें रस्टिंग की वजह से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि शिप्स हमेशा सॉल्ट वाटर में रहते हैं और जो सॉल्ट वाटर होता है यानी नमकीन पानी, इसमें रस्टिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो पेंट करने के बावजूद भी रस्टिंग बहुत तेजी से होती है और इससे शिप्स को काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद हमसे कहा गया है, सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल शिप के आयरन के एक बहुत बड़े हिस्से को चेंज करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना मॉनिटरी लॉस यानी कितना फाइनेंशियल लॉस होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है।
In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. 6th class में आप ये पढ़ चुके हैं students कि sea water को evaporate करके यानी समुद्र के पानी को evaporate करके हम नमक हासिल कर सकते हैं. इसके बाद हमें दिया गया है the salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. यानी के सी वाटर को इवेपोरेट करके जो नमक हासिल किया जाता है वो प्योर नहीं होता और उसके क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का मतलब होता है टुकड़े या दाने, और उसके क्रिस्टल्स भी क्लियर नहीं होते. इसके बाद हमसे कहा गया है हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हम किसी चीज के सॉल्यूशन से उसके लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस बना सकते हैं, यानी हम किसी चीज के सॉल्यूशन से उसके ऐसे क्रिस्टल्स बना सकते हैं जो कि प्योर होते हैं. इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी चीज के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल बनाना जो कि प्योर होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, और जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ये फिजिकल चेंज का ही एक एग्जाम्पल है. अब हम एक्टिविटी 6.9 देखते हैं. इस एक्टिविटी में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बना सकते हैं. तो यहां पर हमसे कहा गया है टेक अ कप फुल ऑफ वॉटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यानी कि हमें एक बीकर में एक कप पानी लेना है और उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की. उसके बाद हमसे कहा गया है हीट द वॉटर, अब हमें इस पानी को गर्म करना है. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टरिंग कॉन्टिन्यूसली. और जब ये पानी बॉयल होने लग जाए तो उसके बाद हमें इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाना है और इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करना है. स्टर करना मतलब मिलाना. इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड. और हमें ये कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक इसमें मिलाते जाना है जब तक कि कॉपर सल्फेट पाउडर डिसॉल्व होना यानी कि घुलना बंद ना हो जाए. उसके बाद हमसे कहा गया है फिल्टर द सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है. अलाउ इट टू कूल, उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे. उसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, और जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो रहा होगा उस समय हमें इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको हिलाना नहीं है. उसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमें सॉल्यूशन में देखना है. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं. इफ नॉट, और अगर नजर नहीं आ रहे हैं वेट फॉर सम मोर टाइम, तो कुछ देर और वेट कीजिए. यानी कि कुछ समय के बाद आपको इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आने लगेंगे. अब यहाँ इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं, जो यहाँ पर देखिए जूम करके भी दिखाया हुआ है कि इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं. इसके बाद हमें दिया गया है स्टूडेंट्स यू हैव लर्न्ड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अब आप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में समझ चुके हैं, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. यहाँ पर ये कहा गया स्टूडेंट्स कि अब आपको अपने आसपास होने वाले चेंजेस को देखना है और उन्हें पहचानना है कि वो चेंजेस फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.